हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम वायरल सैड सारी स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पर अभी सारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह की सैड सारी स्टेटस वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो में बहुत सारे व्यू और लाइक आ सकते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना है। दोस्तों, आपको अलाइट मोशन ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना है। तो गाइस, आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। अलाइट मोशन ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां से आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोजेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहां से आपको इस वाली XML फाइल को सिलेक्ट करना है। इस वाली XML फाइल की लिंक गाइस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस वाली XML फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद इस वाली XML फाइल को अलाइट मोशन ऐप में ऐड करना है, तो जो आपकी XML फाइल है कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर गाइस आपको इसमें सबसे पहले एक साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर टैप करना है। मीडिया पर जाना है, ऑल पर। यहाँ से हम इस वाली साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। इस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इस तरह से आपको साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद साउंड वाली वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा थ्री डॉट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा एस्ट्रक आईडियो, इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते फर्स्ट में जो साउंड वाली लेयर है वो आ चुकी है। अब आपको इस वाली वीडियो को डिलीट करना है। वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही साउंड वाली वीडियो है जो डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। अब गाइस, यहां पर आपको इसमें एक वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। तो यहाँ से हम इस वाले वॉलपेपर को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह के आपको वॉलपेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस तरह से आपको वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको वॉलपेपर को खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगाना है। इस तरह से हम इसको फुल स्क्रीन में लगा देंगे। अब गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही सभी लेयर के बराबर वॉलपेपर की लेयर हो जाएगी। यहाँ से आपको बेकाना है। अब गाइस, यहाँ पर आपको इसमें एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। इस तरह से हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल सिलेक्ट होने के बाद इसको आपको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगाना है। इस तरह से हम इसको खींचकर फुल स्क्रीन में लगा देंगे। अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर एंड फिल वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस, जो लाइन है इसको आपको बीच में इस तरह से लाना है। इस तरह से हम इसको बीच में ला देंगे। अब आपको नीचे में जो ब्लैक वाला कलर मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इसको आपको ट्रांसपेरेंट करना है, तो यहाँ से आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इसको आपको नीचे लाना है, तो हमारा जो कलर है कुछ इस तरह सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे वॉलपेपर में वाइट बैकग्राउंड इस तरह से लग गया है। अब गाइस, इस लाइन के जरिए आप इसको ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब गाइस, आपको रेक्टेंगल की लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही सभी लेयर के बराबर रेक्टेंगल की लेयर हो जाएगी। अब यहाँ से आपको बैक आना है। तो गाइस, अभी हमारी वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है। अब गाइस, आपको इसमें एक PNG सारी को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। तो यहाँ से हम इसमें एक PNG सारी को सिलेक्ट करेंगे। इस वाली PNG साड़ी की लिंक गाइस आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह की जो PNG साड़ी है आप पिक्सल ऐप से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम PNG साड़ी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपको PNG साड़ी को नीचे साइड में सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगाना है। इस तरह से हम इसको सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। अब आपको PNG साड़ी की लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही सभी लेयर के बराबर PNG साड़ी की लेयर हो जाएगी। अब यहाँ से गाइस आपको बैक आ जाना है। अब इसमें हम अपने इंस्टाग्राम आईडी को सिलेक्ट करेंगे, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। तो इस तरह से हम अपनी PNG इंस्टाग्राम आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस तरह के जो PNG इंस्टाग्राम आईडी है आप पिक्सल या वेब से बना सकते हैं।
इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और साड़ी के नीचे साइड में सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। अब आपको पीएनजी साड़ी के लेयर के एंड में देना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो गाइस हमारी जो वीडियो है अभी कुछ इस तरह से सेट हो चुकी है। अब गाइस आपको पीएनजी साड़ी के लेयर को और साड़ी के लेयर को दोनों को ग्रुप में करना है। इस तरह से आपको दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद ऊपर में आपको जो ऑप्शन मिल रहा है इनमें से आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोनों लेयर ग्रुप में हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब गाइस आपको रेक्टेंगल वन वाली लेयर को सबसे नीचे में लाना है। इस तरह से आपको इसको होल्ड करना है और नीचे में ला देना है। अब ये जो वॉलपेपर वाली लेयर है इसको भी आपको सबसे नीचे में लाना है। इस तरह से हम इसको ला देंगे। अब गाइस ये जो XML फाइल वाली जो फर्स्ट वाली लेयर है इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको इसमें तीन इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों इफेक्ट को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही तीनों इफेक्ट कॉपी हो जाएंगे, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब गाइस आपको ग्रुप वन वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको तीनों इफेक्ट को पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किए थे। पेस्ट करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाली जो इफेक्ट है अभी ऑफ है, इनको आपको ऑन करना है। इस तरह से आपको आई बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से हम तीनों आई बटन को ऑन कर देंगे। अब ये जो गाइस फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ से आपको नीचे जाना है। नीचे आपको जो चौथे नंबर पर मैग्नीट्यूड वाला ऑप्शन मिल रहा है यह अभी 0.0% है, इसको आपको 1.5 पर सेट करना है। इस तरह से अब यहाँ से गाइस हम सेकंड वाले इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक होने का तो यहाँ से आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर जो आपको स्क्रीन स्पेस का ऑप्शन मिल रहा है यह अभी ऑन है, इसको आपको ऑफ करना है। इस तरह से हम इसको ऑफ कर देंगे। अब यहाँ से गाइस हम तीसरे नंबर वाले इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद जो फर्स्ट में ऑप्शन मिल रहा है स्ट्रेंथ वाला, ये अभी 0.00% है, इसको आपको 0.06 पर सेट करना है। इस तरह से हम इसको बढ़ा देंगे। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो अभी हमारी जो वीडियो है कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है। अब गाइस हम इसमें एक पार्टिकल इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। यहाँ से हम इसमें एक पार्टिकल इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस पार्टिकल इफेक्ट की लिंक गाइस आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरह से हम पार्टिकल इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद पार्टिकल इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको आपको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगाना है। इस तरह से हम इसको फुल स्क्रीन में लगा देंगे। अब गाइस आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लाइटन पर जाना है। यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जो हमारा पार्टिकल इफेक्ट है कुछ इस तरह से लग जाएगा। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो गाइस हमारी जो वीडियो है अभी कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है। अब गाइस हम पार्टिकल इफेक्ट की जो एक्स्ट्रा लेयर है इसको पीछे से कट करेंगे। पार्टिकल इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही पार्टिकल इफेक्ट की लेयर पीछे से कट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं गाइस हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग सेट सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।